आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा मुख्यालय के गुन्नौर हाई सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में 27 जनवरी बुधवार से पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया। आज फाइनल मैच के समापन के मुख्य अतिथि कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी, विधायक बड़ा मल्हरा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा भारत माता और पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खिलाड़ियों से परिचय लेकर आज के मैच का शुभारंभ किया गया। खेले गए मैच का पवई टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि जवाबी पारी खेलने उतरी पन्ना की टीम ने 115 रन बनाकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आज पूरे मैच की कमेंट्री सौरभ दुबे, सोनू पाठक के द्वारा की जा रही थी। इस दौरान कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि जिले के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस इसे निखारने की जरूरत है। और जिस अनिश्चितता भरे माहौल में पन्ना की टीम के कुछ प्लेयर्स ने अपना जो जवाब दिखाया, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और पवई के खिलाड़ियों ने भी बहुत शानदार, क्योंकि मैं पहले नहीं आ पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पवई के साथियों से, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय में आप इस टूर्नामेंट के विजेता होंगे, मैं अभी उसे बधाई देता हूँ। और पन्ना के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ जीत हासिल की है। क्योंकि मुझे बहुत आगे तक जाना था, मैं और भी आपसे बात और संवाद भी करता, परंतु मुझे बड़ा लंबा दौरा भी और करना है रात्रि तक, इसलिए और चूँकि आयोजन के लिए आप सभी चाह रहे हैं कि चमचमाती ट्रॉफी चलती पन्ना को दे दो, हम लोग चले जाएं। इस गुन्नौर की पावन धारा पे हमारे आए हुए आदरणीय मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री कुंवर प्रद्युमन सिंह मोदी जी, विधायक बड़ा मलहरा, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, जिन्होंने कम समय में मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और आने का समय अपना निश्चित किया कि मैं जरूर समापन में आऊँगा, उसके लिए पहले तो मैं बहुत बहुत उनका आभार और बधाई देती हूँ। इतने कम समय में उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक बार में ही एक आग्रह हमारा स्वीकार कर लिया कि मैं जरूर आऊँगा दीदी आपके यहाँ। रविकांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट।